हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। नवरात्रि बीत चुकी है, माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। और इस कॉमिक्स में गेस क्या लगा मेरे को, क्यों खोजा मैंने? सिंपल आंसर है भाई, एंथोनी और तिरंगा। क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं से भी मैच नहीं करता है, बट राज कॉमिक्स वालों ने इसको मैच करा दिया है। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। कॉमिक्स इंडस्ट्री के बड़े बिग जायंट्स इसमें हैं, संजय गुप्ता सर, हनीफ अजहर सर, विवेक मोहन, मयंक शर्मा, तौफीक, बहुत लोग हैं इसमें। ये कोई बिजनेसमैन होता है जिसे कि एक लेटर मिलता है, और जब वो लेटर मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा भयाक्रांत हो जाता है और उसे चैन नहीं पड़ता है। और उसके रास्ते में एक ट्रक आती है और ट्रक जो है कि भयानक टक्कर मारती है, जिससे कि कार का मलिदा बिल जाता है। दो ट्रकों के बीच सुरेश दबराल दब करके मर जाता है। एक हॉकी प्लेयर को भी इसी तरह से धमकी भरा लेटर मिलता है कि मैच के बिल्कुल लास्ट क्षणों में उसके सिर पर हमला होगा, उस हॉकी की चोट से वो मारा जाएगा। उसे बचाने के लिए डीसीपी जो है कि टेलीविज़न पर देखता है, और तोप की गोले की भांति इंडोर स्टेडियम की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि गाड़ियां सभी निकल चुकी होती हैं। इतनी देर में मैं आराम से स्टेडियम पहुंचकर पिल्ले की जान बचा लूँगा। ओह नो, जीप रुक गई। ओह शिट, जीप को भी इसी वक्त ख़राब होना था। अब क्या होगा, मैं जिस सड़क पर हूँ वहाँ से तो जल्दी कोई गाड़ी भी नहीं बढ़ेगी, लेकिन फिर भी मैं उस पिल्ले को बचाऊँगा। मैं दौड़कर स्टेडियम तक पहुँचूँगा। बहुत बढ़िया है सीन ये। लेकिन मैं कितना भी तेज दौड़ूँ फिर भी 20 मिनट से पहले हारमोनियम तक नहीं पहुंच सकता, जबकि रेड लेटर के अनुसार पिल्ले और उसकी मौत के बीच अब सिर्फ 15 मिनट ही बाकी है। यानी पिल्ले को बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है, एक काम किया जा सकता है, और वह काम करने के लिए मुझे यह कहीं और पहुंचना होगा। इधर उस खिलाड़ी को बचाने के लिए पुलिस वाले काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे होते हैं, पूरी प्रयास कर रहे होते हैं। इधर वो खिलाड़ी बहुत अच्छा गेम परफॉर्म कर रहा होता है स्टेडियम में। हेमराज पिल्ले ने बिजली की तेज़ी से खेल दिखाकर हमारे सारे गोलों को बराबर कर दिया। अब इसे नहीं रोका गया तो खेल के इन आखिरी मिनटों में हम पर गोल दागकर हमें हरा देगा। उसे रोकने का तो एक ही रास्ता है, क्या? हमें उसे घायल करना होगा, और वो भी इस तरह कि उसका घायल होना एक हादसा लगे, ऐसा ही होगा। आओ, रेफरी की विसल के साथ ही खेल एक बार फिर शुरू हो गया। लेकिन अब खेल के साथ साथ षड्यंत्र भी खेला जा रहा था। बेवकूफ़ बॉल को नहीं उसके पैर को अपना निशाना बना, ऐसा ही कर ले रहा हूँ, लेकिन वो चपेट में आ ही नहीं रहा। वो पूरी तरह सावधान है, लेकिन अब शायद वो हमारे मंसूबों को समझ गया है। वह रेफरी से हमारी शिकायत कर सकता है, उसके सिर को निशाना बनाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। साधारण खेल अब मौत के खेल में बदलने जा रहा था, और मौत के इस खेल में हेमराज पिल्ले की जान दांव पर थी, और उसकी जान चली भी जाती अगर बीच में वह बेजान ना आ गया होता। मौत का खेल खेलने का बहुत शौक है ना तुम्हें? आओ ये खेल मुझसे खेलो, लेकिन याद रखना,
इसमें हार तुम्हारी होगी, क्योंकि मौत के इस खेल में हारने के लिए जो जान होती है वो इस मुर्दा शरीर में नहीं है। इतिहास सही समय पर मुझ तक पहुंचने में सफल हो गया था। उस जिंदे को बचाने के लिए एक मुर्दा मैदान में मौजूद 11 खिलाड़ियों से भिड़ गया था, लेकिन मैदान से बाहर मौजूद उस 12वें खिलाड़ी की तरफ उसका कतई ध्यान नहीं था, जिसके जबड़े सख्ती से भींचे हुए थे, जिसके चेहरे पर तूफान आया हुआ था, जिसकी आंखों में लहू उतरा हुआ था और जिसके हाथ मचल रहे थे खून मचाने के लिए। और खून बहा, एंथोनी की आंखों के सामने बहा। ओफ, तुझे पिल्ले पर वार करने की पूरी सज़ा मिलेगी। ओफ, मैदान से बाहर खड़ा खिलाड़ी पिल्ले पर वार करेगा या तो मैंने सोचा भी नहीं था। और तेरी एक ही सज़ा है कि तू ठंडी आग में तड़प तड़प कर मरेगा। गुनहगार तुम भी हो, यह सज़ा तुम्हें भी मिलेगी। ठहरो एंथनी, आह आह, इन्होंने जो गुनाह किए हैं उनकी सज़ा इन्हें कानून देगा। प्लीज, तुम्हारी रिक्वेस्ट पर मैं अपनी ठंडी आग तो हटा लेता हूँ इतिहास, लेकिन इन्होंने खेल का बदनाम करने के जो खेल खेला है उन्हें इनकी सज़ा मैं ज़रूर दूंगा, ताकि ये फिर कोई भी खेल नहीं खेल पाएंगे। सभी खिलाड़ियों के हाथों को तोड़कर एंथोनी वापस लौट गया। तुमने जो किया है उसकी सज़ा तुम्हें कानून भी देगा। आह, सुबह के अखबारों की सुर्खियां बन गया खबर। नेशनल हॉकी चैंपियन हेमराज पिल्ले कोरिया के साथ होने वाले हॉकी मैच में अंतिम समय में अपने विरोधी टीम के खिलाड़ियों के हाथों मारा गया। एक बार फिर वही हुआ जैसा रेड लेटर में लिखा हुआ था, और एक बार फिर यह रहस्य और भी ज़्यादा गहरा गया है कि यह रेड लेटर क्या वाला है। ओह, ट्रेन ट्रेन, हेलो DCP इतिहास ईयर, मैं मंत्री नरेश पांडे के घर से उनका सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है सर, बीवी जी को हार्ट अटैक हुआ है, मंत्री जी यहाँ है नहीं, इसलिए मैंने सोचा आपको फ़ोन कर दूँ। अच्छा किया, मैं घर पहुँच रहा हूँ। एंथोनी के बाद एक नरेश पांडे ही मेरा अच्छा दोस्त है, वह शहर में नहीं है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने दोस्त के घर में होने वाली परेशानी उसके घर में जाकर देखूँ जल्दी। अब कैसी हैं भाभी जी? नॉर्मल है, मैंने दवाई दे दी ही, जल्दी ही इन्हें आराम आ जाएगा। हार्ट अटैक हुआ कैसे है? यह आपको मैं बाद में बताऊंगा सर, आप मेरे साथ आइए। और उस सेक्रेटरी ने कारण बताकर मानो बम फोड़ दिया। क्या वो इतिहास के मंत्री दोस्त का सेक्रेटरी था? क्या तुम्हारे होश ठिकाने तो है? और इस रिलेटर में साफ लिखा हुआ है कि ओह माय गॉड, पांडे कहाँ है? मंत्री नरेश पांडे दिल्ली की एक गोपनीय मीटिंग में आतंकवादी द्वारा मारे जाएंगे। वे तो दिल्ली की में एक अत्यंत गुप्त मीटिंग में भाग लेने के लिए 2 घंटा पहले यहाँ से निकल गए। वह मीटिंग इतनी गुप्त है कि मंत्री जी मुझे अपनी सिक्योरिटी और यहाँ तक कि अपनी सरकारी गाड़ी भी यहीं छोड़ गए हैं। मंत्री जी अपनी प्राइवेट गाड़ी को खुद ड्राइव करके ले गए हैं। ओह नो, इसका मतलब मुझे पांडे को उस गोपनीय मीटिंग में जाने से रोकना होगा। अब तक तो वे रूपनगर का बॉर्डर पार करके दिल्ली में दाखिल भी हो चुके होंगे। हाँ, लेकिन कैसे? मंत्री जी अपना मोबाइल भी यहीं छोड़ गए हैं और वह मीटिंग दिल्ली के किस स्थान पर आयोजित हो रही है ये भी नहीं पता। पांडे की गाड़ी का नंबर तो तुम्हें मालूम होगा ही, बताओ मुझे, मैं तुरंत ही इस विषय में दिल्ली पुलिस को सूचित करता हूँ। एक मिनट, दिल्ली पुलिस को पांडे की सूचना ऑफिशियल तरीके से देने मुझे सैकड़ों अड़चन आ सकती है। मुझे इस विषय में दिल्ली पुलिस के कई आला अफसरों को जवाब देना होगा और इसमें काफ़ी टाइम ख़राब हो सकता है, जब मैं चाहता हूँ कि पांडे को रोकने के लिए तुरंत ही कुछ हो, और ऐसा एक ही तरीके से हो सकता है। नीले रंग की सेंट्रो कार में सवार होकर एक बड़ा आतंकवादी रूप नगर से दिल्ली में प्रवेश कर गया, उसे तुरंत ही रोकिए। आप कौन? मेरे बारे में जानना छोड़कर कार का नंबर नोट कीजिए, RL1C17886। ये आपने क्या किया सर? और ये कमिश्नर जो है उस केस को, उस जो रेड लेटर के ज़रिए जो आता है धमकी भरा पत्र, उसको रोकने के लिए पूरी तरीके से हरकत में आ जाते हैं, लेकिन इसका क्या किया जाए कि नरेश पांडे की नीली कार अपने गंतव्य तक पहुंच गई थी। सरकार बचाने के लिए की जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण और गुप्त मीटिंग को सुनसान स्थान पर इसलिए रखा गया है ताकि विपक्षी पार्टी को इसकी भनक भी न लगे, वरना वो हमारे मंत्रियों की खरीद फरोख्त का काम शुरू कर देंगे।
मेरे ख्याल से अब मीटिंग में आने वाले सभी मंत्री पहुंच गए होंगे। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गया? मीटिंग कहीं और तो नहीं है? आप सही कह सब जगह पे आए हैं, आप एकदम सही जगह पे आए हैं पांडे साहब, मीटिंग यही होनी है आपकी और मौत की। क्या बदतमीजी है, और कौन हो तुम? हम प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अल्फराज के सदस्य हैं, हमें तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और यह जानकर तुम हैरान हो जाओगे कि कॉन्ट्रैक्ट हमें तुम्हारी पार्टी के मुख्यमंत्री अजय राजे ने दिया है, क्योंकि वह विरोधी पार्टी के हाथों बिक गया है। अब वह खुद ही अपना तख्ता पलट करना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसने अपने कई विधायकों को अपनी ओर मिला लिया, लेकिन वह जानता है कि वह तुम जैसा ईमानदार नेता को किसी भी कीमत पर बिकने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और अगर तुम नहीं बिके तो उसका सारा खेल बिगाड़ दोगे। सारे विधायकों को ईमानदारी और देशभक्ति की गुट्टी पिलाकर तुम उन सबको अपनी तरफ मिला लोगे। तो यहाँ पर आतंकवादी मंत्री जी को बताते हैं क्यों वो उसे मार रहे हैं। ये चारों तरफ से मंत्री जी को घेरे हुए मरने के लिए तैयार हो जाता। गोलियां नरेश पांडे की तरफ चली, लेकिन उस तरफ पहुंच नहीं पाई क्योंकि बीच में आ गया था तिरंगा। और तिरंगा का सिंपल लुक उस टाइम ऐसा ही था, तिरंगा बिल्कुल सिंपल एवेंजर्स लुक, मार्वल, डीसी, फैंटम, चाहे जो भी कॉमिक्स में, थोड़ा सा तिरंगा को और मतलब इस कैरेक्टर को लेके थोड़ी सी अच्छा है, बट तिरंगा की फाइटिंग सीक्वेंस भी बिल्कुल साधारण है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, कोई स्पेशल पावर्स नहीं है। और ओह, मौके का फ़ायदा उठाकर उसने भी एक गन उठा ली, यानी वो भी अपने असली रंग में आ गया था। तो इसे भी किसी को नहीं मारने दूंगा। तुम मुझे क्यों मार रहे हो तिरंगा? मैंने तो अपनी आत्मरक्षा के लिए गन उठाई है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। धड़ाक, ताकि मैं आराम से, और ये एक स्पेशल कलर, पीसी मिर्च के बोरे ने तिरंगा को थोड़ा सा बौखला दिया। और ये मंत्री को ख़त्म करके जल्दी से निकलने के चक्कर में हो जाते हैं। इतना समय काफ़ी था, वो लोग भून देते हैं मंत्री को, जब तक तिरंगा नॉर्मल होता तब तक मंत्री साहब को भून दिया था उन लोगों ने। बाहर खड़ी सेंट्रो कार को ट्रेस करके इतिहास दिल्ली पुलिस के सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचा था। ओह नो, पांडे, ओफ, आखिर रेड लेटर में लिखी हुई है वारदात भी सच हो गई, आतंकवादी मंत्री जी की हत्या करने में सफल हो गए। ये क्या, उन्होंने मंत्री जी को बांधकर गोलियों से मारा? नहीं, ये तो मेरी रोप है, जिस समय ये गन उठा रहे थे तब मैंने इन्हें अपनी रोप से उठा लिया था। तुमने बांधा, यानी अगर तुम अपनी रोप से इन्हें नहीं बांधते तो ये अपना बचाव कर सकते थे। हो सकता है, लेकिन मैंने इसलिए बांधा था क्योंकि मैंने इन्हें आतंकवादी समझा था। मंत्री नरेश पांडे जैसा भोला भाला शख्स तुम्हें आतंकवादी दिखाई दिया? व्हाट नॉनसेंस, तुम अपराधियों से लड़ते फिरते और तुम्हें अपराधी भी शरीफ आदमी में फ़र्क नहीं मालूम? लेकिन दिल्ली पुलिस को तो इनके आतंकवादी होने की सूचना मिली थी। तो यहाँ पर कमिश्नर और तिरंगा की तीखी झड़प होती है, और ये तिरंगा को बोलते हैं, मैं तुम्हें मानवाधिकार आयोग में घसीट कर ले जाऊँगा और वहाँ तुम पर सदा के लिए प्रतिबंध लगा के तुम्हें सजा दिलाऊंगा, और जब तक ऐसा नहीं होगा मैं इस शहर से नहीं जाऊँगा। जिगरी दोस्त की मौत ने इतिहास को हिला दिया था। और इतिहास अभी भी उस रेड लेटर भेजने वाले को भूल नहीं पाए थे। मुझे उस आदमी को भी नहीं भूलना है जो कातिलाना रेड लेटर भेजता है। मुझे यहीं बैठे बैठे ऐसा इंतजाम करना होगा कि रूपनगर मौजूद रेड लेटर भेजने वाला त्यारा अपने किसी अगले घिनौने मंसूबे में सफल ना हो सके। रूपनगर से बाहर स्थित यह खंडहर नुमा हवेली अभिशप्त समझी जाती है, की तरफ कोई आता जाता नहीं है, लेकिन हवेली के अंदर का हिस्सा आबाद है।
एक आदमी से ही सही, ओफ ये नहीं हो सकता। अगर ये घटना घट गई तो अनर्थ हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मुझे इसे रोकना होगा और इसके लिए मुझे लिखना होगा एक और रेड लेटर। अब तेरी उंगलियों को रेड लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं कमीने, एंटोनी तेरी किस्मत का मौत लिखने आ गया है। इतिहास ने दिल्ली में से जूली को फ़ोन करके कहा था कि वह मुझे कब्र से बाहर बुलाकर रेड लेटर भेजने वाले के काम पर रोक लगाए। जूली ने मुझे जगाया और मैं तुरंत ही सक्रिय हो गया। पहले जिन लोगों को रेड लेटर्स पहुंचे थे वे सभी लेटर सीसी इलाके के डाकघर से पोस्ट किए गए थे। डाकघर से पता चला कि लाल रंग के खतों को एक ही आदमी पोस्ट करने आता था और वो आदमी इसी हवेली की तरफ से आता था। यह सब जानने के बाद मेरे यहाँ पहुँचना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन हैरानी ये है कि रेड लेटर भेज कर लोगों की हत्या करके आतंक फैलाने वाला यह आदमी अकेला है, जबकि जिस प्लानिंग से रेड लेटर वाला यह सारा खेल खेला जा रहा है उससे लगता है कि इसके पीछे कोई पूरा गिरोह सक्रिय है। मुझे इससे पूछताछ करके इसके गिरोह के अन्य साथियों तक पहुँचना होगा। मुझे तेरे बाकी साथियों भी चाहिए, बता कहाँ है सब। आह मेरा कोई साथी नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। आह गलतफहमी तो तुझे हुई है इस बात की कि तू एंथोनी के सामने अपने साथियों का नाम छिपा लेगा और तू ऐसा नहीं कर पाएगा। एंथोनी तुझे ऐसा नहीं करने देगा और ऐसे ही चीखता रहेगा, बोल नहीं तो तू अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल तक एंथोनी की ठंडी आग में तड़पता रहेगा। और वो आदमी बेहोश हो गया, अरे ये तो बेहोश हो गया, इसे होश में लाना होगा। अस्पताल में वो आदमी पहुंच जाता है, एंथोनी उसे लेके चला जाता है और अपने सवालों का जवाब लेने के लिए एंथोनी व्यग्र हो जाता है। अब इंस्पेक्टर इतिहास के पीछे एक प्लानिंग चल रही होती है। तुम डीसीपी इतिहास को नहीं जानते अजय राजे, वो कानून का वो चूहा है जो बिल में अपराध के बड़े बड़े पहाड़ों में बिल बनाकर आधा अपराधी की गर्दन तक पहुंच जाता है और वो इस समय हमारे मंत्री और अपने दोस्त नरेश पांडे की हत्या की जांच कर रहा है। तो वक्त दूर नहीं जब उसके हाथ हमारे गिरेबान पहुंच जाएंगे। ओह अगर ऐसा हो गया तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि मैंने अपनी कुर्सी, अपने MLA और तुम्हारी पार्टी को तुम्हारे हाथ बेच दिया है। इस तरह तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। ऐसा ना हो इसके लिए कुछ करो यादव, और तुम्हारे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है क्योंकि तुम्हारे संबंध देश के बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों से हैं। हाँ लेकिन इस मामले में बड़ी सावधानी से काम करना होगा क्योंकि इस मामले में तिरंगा भी बीच में आया है। हालांकि वह इतिहास अपने दोस्त और मंत्री नरेश पांडे की हत्या का जिम्मेदार किसी न किसी रूप में तिरंगा को मान रहा है। ओह मिल गया वह तरीका, तिरंगा, इससे हमारा वो काम भी हो जाएगा और कहीं हमारा नाम भी नहीं आएगा। ऐसा कैसे होगा, अब हमारा काम कोई और नहीं बल्कि करेगा खुद तिरंगा। धड़ाक, कौन तेरी सामत, ओफ क्योंकि तूने तिरंगा से टकराने की सोची और तिरंगा से टकराने की सोचने वाले का यही अंजाम होता है। इस शहर में तिरंगा का ही कानून चलता है, तुम उससे नहीं बच पाएगा तिरंगा, तेरी बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जान बाकी है। जिस इसे इस विशेष गैस के प्रभाव से जमाना होगा। इतिहास का शरीर भूत सा बन गया और अब तिरंगा से दुश्मनी लेने की तुझे ऐसी सजा मिलेगी कि तिरंगा के नाम से तेरी सात पूछते भी कांप उठेंगी। आह उस समय इतिहास की जो हालत थी उससे ज़्यादा देर तक बेखबर नहीं रहा एंथोनी, ये तुम क्या कह रही हो जिली, वही जो मुझे दिल्ली से फ़ोन पर बताया गया है, जिस तिरंगा को सजा देने के लिए इतिहास दिल्ली में रुका हुआ था और तिरंगा ने उसे बहुत मारा और उसे 7 मंजिला होटल के नीचे फेंक दिया है। तिरंगा ने उसे मार डालने की पूरी कोशिश की, लिए तो उसकी किस्मत थी कि वह अभी तक ज़िंदा है। अभी तक क्या मतलब, इतिहास की हालत बहुत ख़राब है और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। नहीं, इतिहास को इस हालत पहुंचाने वाला है तिरंगा,
तिरंगा इतिहास पर हमला करके तूने अच्छा नहीं किया। एक एक वार का हिसाब लेने धोनी आ रहा है, आ रहा है तिरंगा। वह व्यक्ति घबराकर एक झटके से उठ बैठा। एंथोनी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनो, मुझे मत मारो। अरे एंथोनी कहाँ गया? एंथोनी चला गया, लेकिन तुम उसे क्या कहना चाहते थे? बात बहुत बुरी है मैडम, लेकिन सनसनीखेज जो सारी दुनिया में हंगामा मचा देगी। बात क्या है बताओ ना। अनर्थ होने जा रहा है मैडम, एंथोनी के हाथों तिरंगा मारे जाने वाला है। ये सब कल के अखबार में छपा हुआ है, देखो। आप भी देखो इस अखबार को, इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कहाँ, किस पर लिखा हुआ है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। आप कैसी बातें कर रही हैं मैडम, आप ध्यान से देखिए, इस पर साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि एंथोनी तिरंगा को मार डालाओ। नो, ओ नो, ये मैं क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा हूँ। इस अखबार में जो लिखा है वह भला आपको कैसे दिख सकता है? कल के इस अखबार में जो शब्द लिखे हैं उसे तो दुनिया में एक ही आदमी देख सकता है, और वो आदमी मैं हूँ। क्या मतलब? मतलब आपकी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको पूरी तरह समझाता हूँ। दुनिया भर के सैकड़ों लोगों के साथ साथ भगवान ने मुझे भी एक अनोखी सुपर नेचुरल पावर से नवाजा है, और मुझे जो सुपर नेचुरल पावर मिली वह थी अगले दिन के अखबार में छपने वाली खबरों को आज ही जान लेना। मैं कल के अखबार में छपने वाली खबर को आज ही पढ़ सकता हूँ। इसी सुपर नेचुरल पावर की वजह से मैं पिछले कई दिनों से शहर के उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को अकाल मौत की खबर पढ़ रहा था। वह बुरी मौत मरे यह मुझको पसंद नहीं था, इसलिए मैंने एक दिन पहले ही सबको रेड लेटर लिखकर उनकी मौत के बारे में सूचित करना अपना फ़र्ज़ समझा। लेकिन अफसोस, कोई भी मौत से नहीं बच पाया, लेकिन मुझे उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। डीसीपी इतिहास और एंथोनी जैसे लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। उन्होंने समझा कि मैं शहर में आतंक फैलाने के लिए पहले लोगों को रेड लेटर भेज रहा हूँ और फिर अपने गिरोह की मदद से उनकी हत्याएं करवा रहा हूँ। यह उसी की गलत फहमी का अंजाम है कि एंथोनी मुझे मार मार तक यहाँ पहुँचा दिया, जबकि सच्चाई है कि मैं बेगुनाह हूँ। मैं जो कर रहा हूँ वो दूसरों की भलाई के लिए कर रहा था। अगर ऐसा था तो तुम सभी को रेड लेटर ही क्यों भेजते थे? खुद जाकर सारी सच्चाई क्यों नहीं बताते थे? मैं डरता था कि वही लोग मेरे सुपर नेचुरल पावर को जानकर मेरा गलत इस्तेमाल ना करना शुरू कर दे, इसलिए मैं शहर से बाहर ऐसी हवेली में रहता था जिसे दुनिया अभिशप्त समझती है। ओह, मैंने सारी सच्चाई तुम्हें बता दी है, अब तुम क्या बताओ मुझे? क्या तिरंगा को एंथोनी के हाथों मरने से बचाने की कोई तरकीब है? नहीं, लेकिन क्या यह ज़रूरी है कि तिरंगा जैसा सुपर हीरो एंथोनी के हाथों मारा ही जाए? तिरंगा एंथोनी के हाथों मरेगा, हर हार में मरेगा। ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। मैंने जो देखा वह गलत नहीं हो सकता, कल के सभी अखबार झूठे नहीं हो सकते। वह जो कह रहा था एंथोनी उसे सच करने पहुंच चुका था। दिल्ली, तिरंगा का शहर, और एंथोनी कहीं पहुंचता है तो बिल्कुल ऐसे ही पहुंचता है जैसे अभी वो पहुंचा हुआ है। इस शहर के किसी कोने में मरा पड़ा नजर आएगा तिरंगा। जल्दी ही इस शहर के लोगों को एक समाधि नज़र आएगी जिस पर लिखा होगा तिरंगा। गुस्से में जलती है तिरंगा की एंथोनी की आंखें में आई वह चमक बता रही थी कि इसकी खोज ख़त्म हो गई है, अब शुरुआत हो रही थी हमले की। भड़ाक, ओफ, पलक झपकते ही हमलावर को पहचान गया तिरंगा। एंथोनी, तुम यहाँ दिल्ली में? मुझे दिल्ली तो आना ही था तिरंगा, क्योंकि अगर मैं दिल्ली ना आता तो मेरी जान कैसे लेता, तेरी जान कैसे लेता? ओफ, तुम मेरी जान लेना चाहते हो एंथोनी? क्यों, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आ जाएगा जब मौत आएगी सामने तो। ओफ, लगता है तुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, और तू तब तक से नहीं समझेगा जब तक तू नहीं समझ जाएगा कि तिरंगा तुझसे किसी भी रूप में कम नहीं है। बहुत कम है एंथोनी से, बहुत कम है तू। इस ठंडी आग से जलाकर मैं तुझे
दुनिया के किसी से दुनिया से भी कम कर देता हूँ। आह, एंथोनी की ठंडी आग ने तिरंगा के दिमाग का संतुलन बिगाड़ दिया था, लेकिन तिरंगा ने अब कभी अपने दिमाग का संतुलन नहीं बिगड़ने दिया था। एंथोनी की ठंडी आग मेरे शरीर के तापमान को बढ़ाकर मेरी नसों में दौड़ते लहू को जमाकर मुझे मार डालने की फिराक में है। मैं इस ठंडी आग से मुझे इस ठंडी आग से खुद को बचाना है। उफ, और ऐसा गर्म आग ही कर पाएगी। एंथोनी की ठंडी आग मेरे शरीर के तापमान को बढ़ाकर मेरे नसों में दौड़ते लहू को जमाकर मुझे मार डालने की फिराक में है। मुझे इस ठंडी आग से खुद को बचाना है और ये गर्म आग ही कर पाएगी। ठंडी आग से छुटकारा मिला तो तिरंगा एंथोनी की छुटकारा पाने की सोचने लगा। तिरंगा से एंथोनी कितना भी तो बहुत पावरफुल करेक्टर है। एंथोनी गेंद की तरह जंप करके मेरे वार से बच रहा है। मुझे इसका उछलना बंद करवाना होगा और उसके लिए तारकोल से भरा ड्रम काम आएगा। जैसे ऊपर उछला एंथोनी नीचे आएगा, वैसे यह तारकोल का ड्रम उसके नीचे होगा। ओह, और तिरंगा इस प्रकार से एंथोनी को फंसा देता है। ओफ, तारकोल से भरे ड्रम में। और पूछता है एंथोनी से मारते हुए कि वो उसे क्यों मार रहा है, उसे क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तेरी आंखें देख के धोखा खा रही है कि मैं फंसा हूँ। देख मैं कहाँ फंसा हूँ। मैं ओह, मैं तो भूल गया था कि तू टेलीपोर्ट हो सकता है। यही तेरी आखिरी भूल होगी तेरी ज़िंदगी की भड़ाक, जो मेरे हाथों ख़त्म होने जा रही है। मैंने तुझे इस अंधेरे में लाकर बहुत अच्छा किया। बहुत देखती हैं तेरी आँखें। यहाँ सिर्फ एंथोनी की आँखें दिखेंगी और तुझे मौत दिखाएंगी। तुझे अंधेरे में रहने का शौक़ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं। इसलिए मैं अपनी ढाल की तेज फ्लडलाइट को रोशन कर सकता हूँ, जिसकी रोशनी दिन के उजाले को भी मात करती है। ओह, बेहद तेज रोशनी ने एंथोनी को चौंकने पर मजबूर किया था, लेकिन एंथोनी उस स्थिति में ज़्यादा देर नहीं रहा। तू एंथोनी के हाथों नहीं बच सकता तिरंगा खनक, तुझे मरना ही होगा। एंथोनी के हाथों मरना ही होगा। ओह, वहाँ गूंजी वह चीख तिरंगा की आखिरी चीख साबित हुई, जिसके शांत होते ही मुर्दा घर में मौजूद लाशों में अब एक और लाश का इजाफा हो गया था, और वो लाश तिरंगा की थी। और डीसीपी इतिहास के पास टेलीपोर्ट होकर पहुँच जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे चोट का एक एक कतरे का बदला ले लिया इतिहास, और किसी के लिए जश्न का कारण ये बन गया था। एंथोनी ने हमारे सबसे बड़े कांटे तिरंगा को हमारे रास्ते से हटा दिया है, लेकिन ये कैसे हुआ? ये बात मेरी अभी तक समझ में नहीं आई। यह सब मेरे सातिर दिमाग की बदौलत हुआ। मैंने तिरंगा और डीसीपी इतिहास को एक साथ अपने रास्ते से हटाने के लिए एक चाल चली थी। मैंने अपने एक निपुण आदमी को तिरंगा का लवादा पहनाकर उसे तिरंगा बनाया और उसी इतिहास पर हमला करवा दिया।
मेरी इस चाल का नतीजा निकला कि सारी दुनिया के साथ साथ एंथोनी को भी पता चल गया कि तिरंगा ही कसूरवार है, इसलिए उसने तिरंगा को मार डाला। अब तिरंगा के मरने के साथ ही हमारी सारी अड़चने ख़त्म हो गई, इसलिए मैं अब आराम से रूपनगर की सत्ता तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। खेल तो तुमने बहुत अच्छा खेला था राजे, मिस्टर अजय राजा, लेकिन तुमसे एक गलती हो गई। तुम यह समझने में भूल कर बैठे कि तुम्हारे जाल में फंसा कर तिरंगा मारा गया। तिरंगा तुम जिंदा हो? ये नहीं हो सकता, हमने अखबार में तुम्हारी छत विक्षत लाश को अपनी आंखों से देखा और सारे अखबारों ने तुम्हारे मरने की खबरें छपी है। अखबार झूठ नहीं हो सकते, अखबार झूठ है भी नहीं, उनमें जो खबरें और मेरी लाश की जो फोटो कॉपी है वो एकदम सही है, लेकिन वो मेरी लाश थी नहीं थी, वो तो पहले ही मुर्दा घर में पड़ी हुई है। और यहाँ पर ये इसे सफाई देता है अपना कि तुमने 5 लोगों का कत्ल क्यों किया। और तिरंगा फ्लैशबैक में बताने लगता है, मैं उस समय अपनी ड्रेस और लवादा पहना दिया जब कुछ पेजेस को मैं पीछे से लेके चल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि पीछे की स्टोरी में मैं आपको बता चुका हूँ कि एंथोनी कसम खा लेता है कि वो तिरंगा को मार करके डढ़ी करके छोड़ेगा। और ये सीन में आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में ज़बरदस्त घमासान लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। ये फ्लडलाइट को ऑन करता है और एंथोनी चीखता है और ज़्यादा देर नहीं रहता है, वो तुझे मरना ही होगा एंथोनी, क्या था मरना ही होगा। वहाँ गुंजी वह चीख और तिरंगा यहाँ ढेर हुआ। इतिहास के पास जाकर के बोलता है, मैंने तेरे शरीर से गिरे खून के कतरे का बदला ले लिया है इतिहास। और यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा था, मैंने तिरंगा और डीसीपी इतिहास को एक साथ अपने रास्ते से हटाने के लिए एक चाल चले थे। मैंने अपने एक निपुण आदमी को तिरंगा का लबादा पहना कर उसे तिरंगा बनाया और उससे इतिहास पर हमला करवा दिया। अब तिरंगा के मरने के साथ ही हमारी सभी अड़चने ख़त्म हो गई, इसलिए मैं आराम से रूपनगर की सत्ता को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। खेल तो तुमने बहुत ही अच्छा खेला था मिस्टर अजय राजे, लेकिन तुमसे एक गलती हो गई। तुम यह समझने के भूल कर बैठे कि तुम्हारे जाल में फंसकर तिरंगा मारा गया है। तिरंगा तुम जिंदा हो? ये नहीं हो सकता, हमने अखबार में तुम्हारी छत विक्षत लाश को अपनी आंखों से देखा, सारे अखबारों में तुम्हारे मरने की खबरें छपी, अखबार झूठ नहीं हो सकते, अखबार झूठ है भी नहीं, उनमें जो खबरें और मेरी लाश की जो फोटो सब छपी थी वो एकदम सही है, लेकिन वो मेरी लाश नहीं, तो पहले से मुर्दा घर में पड़ी थी। मैंने उस समय उसे अपने ड्रेस और लबादा पहना दिया था जब एंथोनी मेरी ढाल की तेज रोशनी से विचलित हुआ था। एंथोनी ने उसी लाश को ही मार डाला था और ऐसा मैंने यह सब जानने के लिए किया कि आखिर एंथोनी क्यों मुझे लाश बनाने पर तुला है। जल्दी मुझे सारा मामला पता चला कि मुझे ये भी पता लग गया कि वो किसी ने मेरे खिलाफ कोई साजिश रची है। ऐसा किसने और क्यों किया, ना तो मेरे पास यह जानने का कोई साधन है, ना एंथोनी की गलतफहमी दूर करने का, लेकिन फिर भी वो मेरी गलतफहमी दूर हुई ऐसे तरीके से जिसके बारे में मैं कोई सपने भी नहीं सोच सकता था। एंथोनी भी यहाँ आ गया, हाँ, तुम्हारे सारे खेल को मटिया मेट करने, लेकिन ऐसा करने से पहले मैं तुम्हें उस तरीके के बारे में बता दूँ जिसने तुम्हारे इस खेल को ख़त्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिरंगा को मार डालने के बाद मुझे जूली ने बताया कि विक्रम नाम के वह शख्स रेड लेटर भेजकर भलाई ही कर रहा था, अपराध नहीं, मुझे उसकी बात पर भरोसा हो गया। और तब विक्रम ने मुझे वह सनसनीखेज सूचना दी जिसने मेरे भी रोंगटे खड़े कर डाले। क्या कह रहे हो तुम? वही जो मैं कल छपने वाले अखबारों में देख रहा हूँ।
मैं साफ साफ देख रहा हूँ कल के अखबारों में मेन हेडिंग्स जिसमें दो ही खबरें मुख्य रूप से छपी, एक कि तिरंगा जिंदा है और दूसरी यह कि तुमने और तिरंगा ने मिलकर रूपनगर में की सरकार में और बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया। और ये भी छपा है अखबारों में कि डीसीपी इतिहास पर हमला, तिरंगा ने नहीं अपराधी सीएम अजय राजे ने करवाया था, ऐसा उसने खुद कबूल किया है। विक्रम की सारी बातें सुनकर मैं दंग रह गया, लेकिन पिछली सारी घटनाओं को देखकर मुझे उसकी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। और यह सब जानने के बाद तिरंगा को ढूंढकर और उसे साथ लेकर तुम तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं था। एक बेवकूफ़ से तुमने कल के अखबारों की खबरों के बारे में जो जाना वो झूठ था। कल के अखबारों में तुम दोनों की मौत की खबर छपेगी। सच्चाई को बदलने में की जिसने भी है ठानी, उसे हमेशा याद आई है नानी। तो यहाँ पर मेरी ठंडी आग तो इन्हें सात पुश्ते याद दिलाएगी। तिरंगा और एंथोनी के सामने ना तो अपराधियों के शैतानी इरादे ठहर पाए और ना ही वे खुद। जल्दी वे सभी कानून की गिरफ्त में थे। और इसी के साथ बन गई थी वो खबर जो कल के अखबारों के हेडलाइंस बननी थी। अब गिले शिकवे दूर होने का समय था। गलतफहमी में मैंने तुम पर जो हमला किया मुझे उसका खेद है। कोई बात नहीं एंथोनी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। रूपनगर वापस लौटकर मुझे रेड लेटर भेजने वाले विक्रम से भी माफ़ी मांगनी है। तो ये रहा दोस्तों रेड लेटर नामक कॉमिक्स कवर, और आर्ट वर्क इसका काफ़ी अच्छा बन पड़ा है और कवर भी काफ़ी शानदार बन पड़ा है। उस दौरान राज कॉमिक्स बड़ी तेज़ी से चल रहा था, मनोज कॉमिक्स वगैरह तुलसी कॉमिक्स बंद होने के बाद। संजय गुप्ता पेश करते हैं रेड लेटर। राज कॉमिक्स की टीम ने उस दौर में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, बट मार्वल और डीसी की तरह ये इसे इंटरनेशनल स्टेज तक नहीं ले जा पाया। ये रेड लेटर से एक स्टोरी शुरू होती है। ये रेड लेटर भेजने वाला एक गुमनाम शख्स होता है जो कब किसको लेटर भेजता है ये कोई ठीक और कोई जानकारी में नहीं रहता है। एक खिलाड़ी को धमकी भरा पत्र मिलता है और कमिश्नर अलर्ट हो जाते हैं उसे बचाने के लिए। बीच मैदान और बीच फील्ड पर ही उस खिलाड़ी को टारगेट किया जाता है मारने के लिए, उसके पैर पर शूट करने के लिए। डीसीपी इतिहास और एंथोनी की मदद से उस मैच में उस खिलाड़ी पर हमला होने से रुक जाता है। एक मंत्री को मारने के लिए प्लानिंग होती है और उसे गैस गोदाम पर बुलवा लिया जाता है और वहाँ पर कुछ अनजाने लोग वहाँ पर उस पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर तिरंगा आ जाता है। तिरंगा जब आ जाता है तो मैटर बिल्कुल चेंज हो जाता है और बदल जाता है। तिरंगा उनकी ज़बरदस्त ठुकाई करता है, लेकिन फिर भी मंत्री को मरने से बचा नहीं पाता है। ये सीन अच्छा बन पड़ा है। एक फ्रेम जो है टोटल कॉमिक्स में मुझे एक फ्रेम अच्छी लग रही है। आप लोग ये मंत्री मारे जाते हैं और डीसीपी इतिहास जो है कि वहाँ पहुँच करके तिरंगा से सवाल जवाब करता है। वो तिरंगा को इसका जिम्मेदार समझते हैं और रेड लेटर के बारे में सोच करके ये खंडहर जो रेड लेटर का निवास स्थल रहता है यही व्यक्ति रहता है जो सबको रेड लेटर भेजता है। तभी यहाँ पर एंथोनी आ जाता है। एंथोनी उसे हल्की फुल्की मारपीट लगाता है ताकि उसकी सच्चाई पता चले और वह सच्चाई बताता भी है, उसकी बातों में सच्चाई होती है रेड लेटर भेजने वालों की। लेकिन एंथोनी यकीन नहीं करता है और वो बेहोश हो जाता है। वो आदमी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और इधर पार्टी में सभी नेता लोग बात कर रहे होते हैं कि किसी प्रकार से उन लोगों को हटाया जाए। इधर तिरंगा
जो है कि तिरंगा के भेष में किसी एक क्रिमिनल को भेज देते हैं वो सभी राजनेता और नेता लोग, और डीसीपी इतिहास जो है बुरी तरीके से वो घायल हो जाता है। फिर वो तिरंगा उसे बाहर फेंक देता है जिसकी वजह से वो बिल्कुल मरने जीने की कंडीशन में आ जाता है और ज़िंदगी और मौत के बीच में वो झूलने लगता है। और इधर तो यहाँ पर एंथोनी और तिरंगा में कुछ फाइटिंग सीक्वेंस भी इस्तेमाल होता है, जहाँ पर जो है कि एंथोनी तिरंगा पर भारी पड़ता है और तिरंगा के रूप में एक किसी एक को मार करके वो चला जाता है। न्यूज़पेपर वगैरह में भी आ जाता है कि तिरंगा मारा गया। इसके बाद की सारी स्टोरी आप जान ही रहे हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बनाने में काफ़ी मेहनत होता है। अब आप लोगों की दुआ प्यार और सपोर्ट के बदौलत चैनल मेरा चल रहा है। मेरे सारे फैंस इस बात को रखें कि मैं भले ही थोड़ी सी लेट होती है वीडियो पोस्ट करने में, कि इस समय मैं कुछ फैमिली टेंशन से भी गुजर रहा हूँ, पारिवारिक समस्याओं से, कुछ बंटवारा ज़मीन जायदाद वगैरह इस तरह का कुछ मैटर है जिसमें कि कुछ फैमिली वाले हैं, मेरे ही फैमिली वाले वो लोग तंग कर रहे, इस वजह से मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ और थोड़ा वीडियो कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड नहीं कर पा रहा। लेकिन जल्दी ही मैं इन आपकी समस्याओं को दूर कर दूंगा। वीडियो आपके पास रेगुलर आती रहेगी, निश्चिंत रहिए। इंडियन कॉमिक्स को एक न्यू लेवल तक एक पहुँचाना है। जहाँ तक मैं अपने कॉपरेट कर सकता हूँ, मेरी जो कॉपरेशन है वो सभी कॉमिक पब्लिशिंग कंपनीज़ के साथ है, उनके बेहतर भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। और जल्दी दोस्तों आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।